अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। आमिर खान क्यों खाते थे पान? राजकुमार हिरानी ने किसे दिए 21 रुपए और क्यों? किसके लिए जेल में हुई थी फिल्म पीके की स्क्रीनिंग? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की सुपर हिट फिल्मों में से एक फिल्म पीके को ऑडियंस ने खूब सराहा था। आमिर खान, अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत स्टार है। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म में की गई कई ऐसी चीजें फिल्म को आज भी ऑडियंस के बीच पॉपुलर बनाती है। अगर फिल्म को ध्यान से देखें तो फिल्म में आमिर खान हमेशा मुंह में पान चबाते हुए नजर आएंगे और ये पान आमिर खान फिल्म के कैरेक्टर पीके को परफेक्टली पोर्ट्रेट करने के लिए खाते थे। अगर आपने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म पीके देखी होगी तो आपको इस फिल्म में काम करने वाला एक एक्टर और याद होगा, और वो एक्टर है संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त का बेशक इस फिल्म में छोटा रोल रहा हो, लेकिन फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। फिल्म के रिलीज के दौरान संजय दत्त मुंबई के एक जेल में थे। फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स ने जेल अथॉरिटी से परमिशन लेकर संजय दत्त के लिए जेल में फिल्म पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई थी। संजय दत्त ने फिल्म पीके जेल में स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान देखी थी। फिल्म देखने के बाद संजय दत्त ने सभी को स्क्रीनिंग करवाने के लिए धन्यवाद दिया था। इन सब के साथ ही फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का एक किस्सा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। किस्सा सुशांत की फिल्म में से जुड़ा हुआ था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म पीके में काम करने के लिए कोई भी फीस लेने से मना कर दिया था, क्योंकि सुशांत का कहना था कि राजकुमार हिरानी के साथ काम करना उनका एक सपना था और फाइनली उनका ये सपना पूरा हो गया है। इसी खुशी में उन्होंने राजकुमार हिरानी से फीस लेने से मना कर दिया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने सुशांत को शगुन के 21 रुपए दिए। उन 21 रुपए को सुशांत ने फोटो फ्रेम करवा के अपने घर में रख लिए थे। दुर्भाग्यवश अब सुशांत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने फैंस की यादों में जिंदा रहेंगे। ऐसे ही अब पीके अगेन की स्क्रिप्ट और प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है, जिसमें हमें जल्द ही रणवीर दिखाई देंगे और रणवीर के साथ उनकी दोस्त अनुष्का शर्मा भी दिखाई देंगे। लेकिन जैसे कि ये फिल्म का सीक्वल है तो पता नहीं इसमें सरफराज की जगह किसे दिखाया जाने वाला है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, और बॉलीवुड की ऐसे ही चटपटी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।